गायी चांगल्या भेटतात काही अडचण येत नाही आणि घरी जाऊन पण काय मरात्या वगैरे या सगळ्या चुकीचं आहे गाय सेट होती एकदम व्यवस्थित काही अडचण येत नाही व्यवस्थित जर तिचे खानपान केले तर काही अडचण येत नाही गाय दूध पण चांगलं देते आणि योग्य भावाची सारखा माणूसच नाही कुठं एक नंबर माणूस आहे फक्त व्यवस्थित गाय घेऊन घ्यायची काही अडचण येत नाही आपलं इथं इन्स्प जे हे म्हणते ना सोय व्यवस्थित ठेवलेली खाण्यापिण्याचे इथं काय रुपये रुपाय आमच्याकडून खाण्यापिण्याच्या बाबतीत नाही लॉजिंगच्या बाबतीत नाही काय

आज की वीडियो में दस गाय यहां से सेल होकर महाराष्ट्र के लिए जानी है वो आप लोगों को दिखाएंगे और उसके अलावा पूरे फार्म का ओवरव्यू देखिए जितनी भी बाकी की गाय रहेंगी सभी की सभी सेल के लिए अवेलेबल दिखाई जाएंगी अंदर भी काफ़ी गाय रुकी हुई हैं डिटेल बातचीत सुरेंद्र जी के साथ करेंगे उससे पहले जो मेरे भाई पहली बार अपने इस चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें पासवर्ड घंटी का बटन प्रेस कर दें जो आने वाली जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पर आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी आइए जी आगे की बातचीत करते हैं सुरेंद्र जी के साथ सत श्री अकाल जी सत सताल जी कैसे हो सुरेंद्र जी बहुत बढ़िया जी बढ़िया चाहिए और काम काज घर परिवार भी बढ़िया ठीक है जी बढ़िया जी बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी सबसे पहले तो हर बार की तरह प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बता दीजिए एड्रेस है जी गांव दौला किंगरा तहसील गिदड़वा जिला श्री मुख्तसर साहब जी कनेक्ट नंबर है सेवन जीरो जीरो नाइन फाइव डबल थ्री वन सिक्स फाइव हाँ जी व्हाट्सअप वाला नंबर है नाइन फोर वन फोर डबल फाइव वन फाइव एट जी ओके सुरेंद्र जी रूटीन में वीडियोज थोड़े थोड़े दिनों के गैप पर आती हाँ रहती हैं। सेल के लिए अवेलेबल भी दिखा देते हैं हाँ जी। जो सेल होकर जाती हैं वो गाय भी दिखा हाँ और... दस दस हाँ जी। जी। महाराष्ट्र स्पेशल बोल सकता हाँ महाराष्ट्र वाले भाई आते थे हाँ जी थोड़ा सा बोलूँ की जैसे गर्मी का सीजन शुरू हुआ तो बाकी भाइयों के पास महाराष्ट्र के कस्टमर आने कम हो गए लेकिन आपके पास दोबारा दोबारा से आ रहे भाई साहब अगर किसी को अच्छा देंगे हाँ जी तो फिर ही आदमी दोबारा आता है जी बहुत अच्छी हाँ जी ऐसा नहीं है कि आ, बताया कुछ और बताया तीस लीटर निकला पंद्रह लीटर अच्छा जी जिस ज, ज, अगर भाई को प्लस बोला था तो दो तीन दो दो चार चार दिन की जनी हुई है हाँ जी। जो भाई तीन दिन से सुबह शाम अपने हाथ से मिल्किंग कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है और पच्चीस प्लस बोला था तो एक का निकल रहा है जी एक का सताई अठाईस निकल रहा है अच्छा कहने का मतलब इधर चार पांच लीटर एक्स्ट्रा दूध निकाल रही इधर ही अच्छी बात दो है। दिन से भाई सुबह शाम खुद हम तो आ, निकालते ये करते हैं। करते चलो हैं। अच्छी बात है पहले आज दोबारा जो आए हैं इनमें से एक भाई तीसरी बार आया जी हाँ जी और एक भाई फिर तीसरी बार आया एक भाई सातवीं बार आया जी बहुत अच्छी बात और दो तीन भाई है जो पहली बार आया जी कहने का मतलब अगर रूटीन में आ रहे हैं जी लगातार थोड़े थोड़े समय के गैप पर दोबारा दोबारा से आ रहे हैं काम आपका अच्छा लग रहा है तभी आ रहे हैं है है हाँ है जी 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 सुरेंद्र आज आज कितनी गाय 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 सेल की इनको वैसे तो इनकी जानी है जी। अच्छा जी? दस आ जा रही है, नौ गाय अभी आने वाली है जी कुछ गाय दो तीन गाय आई है दो बार से ली है जो गाय आने वाली है वो कल लोड होंगी ओके और सुरेंद्र जी उन्नीस गायों में से घर से कितनी गाय दी है और बाहर से कितनी खरीदी तकरीबन इन्होंने घर से ही गाय खरीदी है जी बाहर से तो

कस्टमर को बुलाने के लिए कचरा फचरा गाय का दाम कम होता जी। अच्छा जी। आदमी को के लिए बोल देता है का दलाल। अच्छा जी। मेरी का मेरे को वीडियो डाल के मेरे ही घर आकर मेरे को वीडियो कॉल लगा के गाय दिखा रहा है जी अच्छा जी गाय मेरे पास है गाय मेरी है मेरी गाय का मेरे को उसको ऐसा था कि ये बाढ़ का ग्राहक है अच्छा जी नया दलाल था उसको किसी ने नंबर दे दिया जी अच्छा <laughs> तो मेरी ही गायों का मेरी मेरे को वीडियो डाल के मेरे को बता रहा है कि उधर हमारे गांव के पास में है, ऐसी 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 है तो ऐसा कस्टमर्सों को भी बोलूंगा जी कि ऐसे लोगों से बचे बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी चंद बातें कस्टमर को बुलाते हैं उनके साथ करते हैं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं देखने वाले भाइयों के नमस्कार जी नमस्कार कैसे हो भाई साहब बढ़िया बढ़िया, है, बढ़िया है। क्या शुभ नाम है जी मेरा दादा बन सोडे और इससे पहले कितनी बार आ गए जी छह बार आए थे पहले आज सातवीं बार सातवीं बार आए और मेरे हिसाब से दो तीन बार तो हम लोगों ने वीडियो में बात भी की है ना जी पहले कितनी गाय ले गए इससे पहले साठ पिछली बार भी साठ बोल रहे थे आप नहीं अभी बढ़ गए ना अब बीस इस बार चली जाएंगे अस्सी हो जाएंगे आ, चलो अच्छी बात है जी पहले वाली गाय कैसी अच्छी है अच्छे ना बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात दूध भी अच्छा दे रही है कोई दिक्कत नहीं अच्छा दे रही है चलो बहुत अच्छी बात है इस बार कुछ नए लोगों को भी साथ में लेकर लेकर आए अच्छा दस गाय खरीदी है और मैंने खुद नौ गाय खरीदी नौ आपने खुद अकेले खरीदी है नौ इन्होंने खरीदी है जो गाय पिछली बार भाई ले गया था ना हाँ जी दो ही दिन में जाके भाई ने बिक्री कर दी अच्छी बात है जी फिर आच्छी और आच्छी क्या चाहिए है ना जी तभी तो इतनी दूर से आ जाते हो हाँ। अगर कुछ ना कुछ मुनाफा मिलेगा पैसे के लिए तो घूमते हैं हम लोग सही है ना हाँ जी जो लोग नए लोग वीडियो देख रहे हैं हाँ। पहली बार आपको वीडियो में देख रहे हैं हाँ। तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ना मराठी में बताइए हिंदी में तो बात करते रहते हैं हम लोग गाय चांगला बैठता है कई अड़सन ये नहीं घरे जाओमरतें वगैरह यह सगड़ा चुकी सही गाय सेट होती एकदम व्यवस्थित कई अड़सन य नहीं व्यवस्थित जर के खान पान के लिए तो कई अड़सन ये नहीं गाय दूध पन चांगला देती

कितनी गाय ली आपने हमने दो दो आपने खरीदी कैसा एक्सपीरियंस रहा जो तीन चार दिन आप इधर रहे अच्छा है सब अच्छा है सब गाय बढ़िया मिली है हाँ। दाम में भी अच्छे में मिली है हाँ। खाना पीना भी बढ़िया था कुछ तो बोलिए अपनी तरफ से भी बोलिए जो मैं पूछता हूँ आप सिर्फ सर हिला रहे हो भाई को पहले तो ज्यादा था कि मैंने वीडियो में आना है है वीडियो बनानी नमस्कार अच्छा जी हेलो नमस्कार कैसे हो हाँ जी। दे दे जी। अंकल जी बढ़िया सब क्या शुभ नाम है जी अपना मेरा नाम भावसे हरीव ठोकर और एड्रेस भी बता दीजिए महाराष्ट्र श्रीरामपुर ओके पहली बार आए पहली बार आए तीन चार दिन से ही आप इधर हो हाँ, तीन चार दिन और आपने कितनी गाय खरीद ली ली जी जी हमने एक अच्छा जी। हमने दे एक है अच्छा ओके और आप क्या कहना चाहोगे जी क्योंकि आपकी उम्र भी आयु भी आपकी काफी हो चुकी है हाँ, हाँ। तो काफी एक्सपीरियंस है आप लोगों में घूमते रहते हो देखकर आदमी का पता चल जाता है इतनी एज में आकर तो है ना जी हाँ। आप क्या बोलना चाहोगे सुरेंद्र जी के काम के बारे में अभी बोलना तारीफ करना भी हमारे पास लफ्ज नहीं है उनके लिए अच्छा जी ओके और नाम हमने वहाँ से सुनते हैं इनके साथ आए तो पूरा विश्वास के साथ आए ओके और जो नए भाई वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे इनके काम के पास अगर जी किसी को लेनी ही गाय अच्छी क्वालिटी ब्रीड वीड और खान पान का भी इनके तरफ से बहुत बढ़िया ख्याल रखें ओके तो नया भाई आ सकता है कोई भी बेफिक्र हो के। कोई भी बेफिक्र हो क्या ओके थोड़ा सा मराठी में भी बता दीजिए फिर अरे जे अपने ना सोई व्यवस्थित खाने पीने चाहे इतना रुपये आम चुनौत खाने पीने लॉजिंग बाबती नहीं है ते, गाड़ी आम फिर खूब आम सहकार्य धन्यवाद ओके धन्यवाद जी आप भी भाई सब एक पीछे रुके हैं वो भी बात करना चाहते थे माइक उन्हें दे दीजिए नमस्कार जी नमस्कार जी जैसे हो जी बढ़िया आप तो पहले भी आए है ना हाँ मैं तीसरी बार आया हूँ तीसरी बार कितनी गाय इससे पहले ले गए इससे पहले चार गाय लेके गया था अभी तीन लिए तीन अभी खरीदी चारों की चारों गाय घर पर है अच्छा दूध निकलती है कितना कितना इधर सुरेंद्र जी ने कितना बताया था जितना बताया था उससे एक लीटर तो प्लस देती अच्छा प्लस दे, प्लस दे रही प्लस दे रही नहीं तो सभी भाई ये बोलते है की दो तीन लीटर उल्टा ज्यादा दूध दे रही है वाकई में सच्ची बात सच्ची बात है कहीं ये इसलिए तो इतने दिन से इसके बारे में बोल दो नया कस्टमर आ जाएगा नहीं अभी इसलिए तो इनके पास आए ना अच्छा गाय अच्छी दिलाते इसलिए आए ओके धन्यवाद अच्छा लगा बातचीत करके सुरेंद्र जी एक एक करके गाय चलाते हैं साथ में आगे की बातचीत करते हैं हाँ जी दोस्तों बातचीत काफ़ी हो गई इससे आगे गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे और पहली गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी आज वाली गायों में बात करूं अच्छी गायों की गिनती में ये गाय आती है वैसे तो सभी की सभी गायें ही अच्छी हैं जैसे कस्टमर भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे सुरेंद्र जी के काम की पहली गाय देख कर चेक कीजिए भारी बरकम वज़न वाली मीडियम हाइट की गाय है लेकिन वजन क्वालिटी और रंग रूप से बहुत शानदार अडर की शेप आंचल का साइज मिल्कवेन अभी से शानदार काफ़ी है सुरेंद्र जी डिटेल बताते हैं जी सेकंड बार में दस तरीक को दिन पूरे हैं जी इसके दूसरे ब्यांत में अभी ब्याने हाँ जी और चार और... दांत है जी से मतलब हाँ बारह तेरा दिन, दिन पेंडिंग है जी। जी, दूध इसने फर्स्ट में दिया जी सोलह सत्रह लीटर टाइम का अच्छा जी अब भाई को वैसे तो थर्टी प्लस बोल कर दिए पर दूध देगी फोर्टी के आसपास ਅੱਛਾ ਵੀ 30 ਬੋਲ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ 30 ਪਲੱਸ ਬੋਲ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਸੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਸੇ ਜੀ ਆਰਾਮ ਸੇ ਨਿਕਾਲੇਗੀ ਜੀ ਔਰ ਦਾਮ ਕਿਤਨਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਮ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ 1.25 ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਘਰ ਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਸੇ ਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਖਰੀਦੀ 1.20 ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5000 ਮੁਨਾਫੇ ਸੇ ਦੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗਾਇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ जहाँ फार्म से किसान के घर से ली थी ना अच्छा जी बाई को किसान के घर ले गए थे हाँ जी अभी ही दिया था एक लाख देना बाकी था ओके तो सारा रिकॉर्ड वगैरह देख कर बाई ने एक लाख रुपए अपने हाथ से उनको दिया जी ओके जी बांध दीजिए को भाई इससे आगे दूसरी गाय लेकर आइए दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जी बातचीत आप लोग खुद कर सकते हो ऐसी गाय और खरीदनी चाहते हो तो मिल भी जाएगी सुरेंद्र जी ने दाम असल में भी बता दिया कि कितने है थी, उसके जैसी ही है हाइट उससे 19-20 का फर्क हो सकता है थोड़ी सी ऊंची हाइट मेरे को लग रही है लेकिन मेरे हिसाब से सेम ही है हाइट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है और वजन भी एक समान है सुरेंद्र जी क्या डिटेल है जिसकी जे भी सेंकड़ बा, बार बच्चा देगी जी छे दांत तो मूसे है छह दांत तो दूसरे हाँ भी में थर्टी प्लस का कार्ड है जी इसका कितना समय अभी पड़ा जी? इसके दिन है जी ओके। इसके को दिन पूरे है जी इसके दिन है को पूरे और सुरेंद्र जी कितने दाम में ये जे उससे थोड़ी बहुत कम है जी उससे कम है उससे कम है जी सुरेंद्र जी दूध तो आप जैसे बता रहे हो कि चालीस उतना ही दे देगी देगी जी फिर दाम का क्या फर्क? दो चार हजार का फर्क है जी चार अच्छा इतना पड़ जाता है ना जी वो क्या रहता है कि कहीं ना कहीं जहाँ से हम लोग खरीदते हैं वो बेचने वाले आदमी पर भी डिपेंड करता हाँ जी। है ओके जी और रंग रूप दोस्तों बॉडी स्ट्रक्चर जैसे पहले भी मैंने बोला था जो पहले नंबर पर गाय चलाई थी लगभग लगभग वैसी गाय है बाकी आप लोगों के सामने है, सेल होकर महाराष्ट्र के लिए जानी है काफ़ी बार कस्टमर आ चुके हैं साथ में सेल परचेज का काम भी है और साथ में जो नए भाई आए हैं दूध के लिए भी गाय खरीदने वाले हैं क्वालिटी गाय की आप लोगों के सामने कॉन्टैक्ट नंबर सेवन डबल जीरो नाइन फाइव डबल थ्री वन सिक्स फाइव स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जी ये कॉल वाला नंबर है व्हाट्सएप वाला नंबर है जी नाइन फोर वन सेवन फोर डबल फाइव वन फाइव एट आप लोग बातचीत कर सकते हो इससे आगे तीसरी गाय चला कर दिया तीसरी गाय कद काठ की गाय आप लोगों के सामने हाइट का आइडिया आप लोगों को भी हो गया होगा जी जैसे सेवक भाई चला रहे हैं सुरेंद्र जी ये तो अभी बयाने वाली काफी कच्ची है मेरे हिसाब से छह मंथ की, की प्रेग्नेंट है साढ़े छह मंथ की कौन से बयान के लिए जी सैकंड बार बच्चा देगी जी आगे अच्छा जी फर्स्ट में अभी है जी अभी दे इसके नीचे छह सात लीटर टाइम का दूध जी निकलने अच्छा जी साढ़े छह दे दी कहने का मतलब साढ़े छह सात मंथ की प्रेग्नेंट है ओके और चेक पास खुद डॉक्टर है जी भाई

डेढ़ दो लाख की हाइट वेट, वेट बहुत शानदार है 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 और और ब्रीड 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 क्वालिटी भी सबसे तो है जो बड़ी बात है ये, है जी। जी। ये जी 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 ओके बांधिए इससे आगे एक गाय चौथे नंबर पर एक और गाय आप लोगों के सामने है जी और हाइट का आइडिया इसका भी आप लोग लगा सकते ऊंचे कद काठ की ये है रंग रूप से भी शानदार है और ब्याने में इसका भी काफी ज्यादा समय मेरे को अभी लग रहा है सुरेंद्र जी क्या पंद्रह दिन बाकी है जी कौन से ब्यांत में जी सैकड़ बार बच्चा देने वाली है जी ओके जी दूध देगी पच्चीस प्लस और सुरेंद्र जी दाम कितने दाम की दी है की दोस्तों ये दी गई है रंग रूप से बात करूं तो आप लोग आइडिया लगा सकते इससे पहले वाली गाय जो थी उसके जैसी ही है थोड़ा बहुत फर्क है। हर बार गाय की क्वालिटी पर या दूध पर डिपेंड करता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क पड़ता रहता है जी कभी भी रंग रूप के हिसाब से गाय का दाम नहीं बढ़ता इससे आगे एक और गाय चला इससे आगे एक और क्रॉस ब्रीड की गाय दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा रंग रूप के हिसाब से तो लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए कोई ये क्रॉस ब्रीड वाली बात मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगी ये बात इसलिए बोली कि कभी कभार हम लोगों के मन में ये होता है कि रंग रूप को देखकर हम लोग क्रॉस ब्रीड ब्रीडे से बोल देते हैं सुरेंद्र जी क्या बोलना चाहोगे आप इस गाय के रंग रूप के बारे में इसके पांच खरीदार थे जी अच्छा जी जो चारों पांचों भाई है चारों पांचों जब इन्होंने दो दिन इसका दूध निकाला ना जी हाँ जी आज तीन दिन की ब्याई है उनतीस तीस लीटर खींच निकाल रही है कौन जी? से में है भाई? में भाई जी दांत मुंह से है हाँ चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह लीटर दूध एक टाइम का है जी इसके नीचे अच्छा जी. और पांचों छओ भाइयों ने टास्क करके रखी है जी पर्ची दादी अच्छा ये बातें भी हो जाती हैं कभी <laughs> कभार छह ग्राहक थे भाई साहब आदमी बोल रहे हैं कि जे मैंने रखनी है वो बोल रहा अच्छा तो है अठासी जी। जी, हजार जी जी, अगर कस्टमर इतने थे तो आप फिर दाम भी बढ़ा नहीं, सकते ऐसा नहीं भाई साहब की दाम बढ़ जाता अच्छा जी पर जो जायजा वो ही है जी ओके सुरेंद्र जी पीक लेवल पर कितना दूध दे देगी जी थर्टी फाइव क्रॉस करेगी जी पैंतीस लीटर है, है।, हाँ है अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई जब पहले भाइयों ने गाय देखी थी ना हाँ जी तो मैंने इनको बोला कि भाई इसका सुबह निकला नहीं था क्या अच्छा जी तो मैंने बोला भाई साहब अगर सुबह इससे एक लीटर फालतू होगा तो आपसे पैसा लूंगा नहीं गाय फ्री दूंगा अच्छा जी तो फिर तो भाई साहब जब दो दिन चार टाइम पांच टाइम दूध निकाला ना जी हाँ जी

एक और जर्सी गाय आप लोगों के सामने है जी सेल के लिए अवेलेबल है अभी सुरेंद्र भाई क्या डिटेल है जी। मालक का बाईस तेईस लीटर दूध का कहना है कि फर्स्ट में निकाला है इसका भी फोन पर ही होगा जी इसका भी फोन सभी गाय का जो दाम होगा जी फोन पर ही होगा अच्छा जो भी गाय सेल के लिए है कहने का मतलब फोन पर ही दाम किया जाएगा जो भी भाई खरीदना चाहता है फोन लगा कर पूछा

फेस क्वालिटी बहुत शानदार जिस गाय की है जी वो आप लोगों के सामने सुरेंद्र भाई क्या डिटेल है जी जी फर्स्ट में बेने वाली है जी अच्छा जी। एक डेढ़ महीना बाकी है जी इसका। एक डेढ़ महीना हाँ जी जी स्पेशल महाराष्ट्र वाले भाइयों के लिए है जी। अच्छा जी सुरेंद्र जी कितना दूध ये दे देगी उधर जाके जी दूध तैयार होने पर है जी खिलाई अच्छा, पिलाई पर बनने पर होगा जी

वैसे ही सिस्टम बन जाता है कि जितना ग्राहक कम उतना ब्याह कम है गाय बजट में हो जाती है थोड़ा भी कहने का मतलब जैसे मंडी, का में फर्क पड़ा है जी। जैसे मंडी में भाई साहब पचास ग्राहक होते थे और अगर एक मंडी में हजार गाय आती थी तो अभी मेरे हिसाब से सात सौ सौ होगी सात सौ से आठ सौ आ रही है सुरेंद्र जी अंत में प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर एक बार फिर एड्रेस है जी गांव दौड़ा किंग्रह तहसील गिदड़वा जी जिला श्री मुखसर साहब जी ਡੈਕਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈ 700953165 ਜੀ WhatsApp ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9417455158 ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬਾਤ ਚੀਤ ਧੰਨਵਾਦ